नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटरनेट चैनल जीएम डेकोर पर। आप अपने घर का रिनोवेशन करा रहे हैं या फिर नया घर बनाया है तो उसमें फर्नीचर जरूर करा रहे होंगे, और अपने बच्चों के लिए भी उसमें आपने स्पेस प्लान किया होगा, या तो पूरा चिल्ड्रंस रूम होगा या फिर एक अलग से वार्डरोब प्लान कर रहे होंगे तो उसमें भी आपका फर्नीचर चल रहा होगा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि बच्चों की वार्डरोब बनाते समय क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि उन बच्चों के लिए जो हम वार्डरोब बनाने जा रहे हैं उसकी यूटिलिटी भी पूरी हो और बच्चों के हिसाब से वो सेफ बने और बच्चों के अकॉर्डिंग बने। इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में आगे समझते हैं। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम वार्डरोब के स्ट्रक्चर की। दोस्तों, बच्चों की वार्डरोब में आपको सभी तरह का स्ट्रक्चर प्लान करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ अपन को ओपन शेल्व्स भी देनी पड़ेगी, कुछ कंपार्टमेंट भी देने पड़ेंगे जिसमें बच्चे अपने बकेट्स वगैरह रख के उसके अंदर कोई टॉयज रखने हैं या फिर अपने कपड़े रखने हैं तो उसके अंदर रख सकें। ड्रॉर्स देनी पड़ेगी, ड्रॉर्स की पोजीशन का विशेष ध्यान ही रखना चाहिए कि ड्रॉर्स जो लोअर कंपार्टमेंट है वार्डरोब का उस एरिया में रहे, अपर में या मिड में अगर ड्रॉर रहेगी तो बच्चे उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे कि उनकी हाइट से वो ज़्यादा हो जाएगी। तो लोअर कंपार्टमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे उसको इजीली अचीवेबल कर सकें। ओपन कंपार्टमेंट है, ड्रॉर्स है, सारे वार्डरोब के नीचे वाले हिस्से में हमें दे देनी चाहिए ताकि बच्चे आराम से उस पूरी वार्डरोब को मैनेज कर सकें। साथ ही साथ हैंगिंग पाइप की अगर बात करें तो अगर पॉसिबल हो तो बच्चों के वार्डरोब में डबल हैंगिंग पाइप दीजिए। डबल हैंगिंग पाइप देने से क्या होगा, उनके जो कपड़े हैं, काफ़ी सारे कपड़े आराम से मैनेज कम स्पेस में हो जाएंगे। हैंगिंग पाइप में काफ़ी पास पास में कपड़े हम काफ़ी सारे कपड़े टांग सकते हैं। दोस्तों, बच्चों की वार्डरोब न केवल सामान रखने में, कपड़े रखने में काम आती है, बल्कि उनका एक प्लेग्राउंड भी होता है। आपने कई बार देखा होगा बच्चे वार्डरोब के अंदर बैठ के छुपना पत्ती खेलते हैं या फिर और भी कुछ घर घर खेलते हैं, इस तरह के खेल बच्चे खेलते हैं। तो बच्चों के वार्डरोब बनाते समय जो स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हैं वो मटेरियल मजबूत होना चाहिए। शेल्फ्स जो भी वार्डरोब के अंदर डल रही है वो प्रॉपर नेल्स से या फिर स्क्रू से प्रॉपर लगी हुई होनी चाहिए, ताकि खेलते समय वो टूट ना जाए और बच्चे सेफली उस वार्डरोब को अपने खेलने के रूप में भी काम में ले लें। मटेरियल मजबूत तो लेना ही लेना है, उसकी जो अपर सरफेस है जहाँ पे हमें लेमिनेटेशन करना है उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा सजेशन है कि बच्चों के वार्डरोब में आप हाई ग्लोस फिनिश की लेमिनेट शीट काम में लीजिए, क्योंकि इनको मेंटेन करना आसान होता है। बच्चे कुछ लिख भी देते हैं, कुछ गंदी चीज़ लगा भी देते हैं, खाते खाते हाथ लग गया, ऑयल का हाथ लग गया, तो सारी चीज़ों को हाई ग्लोस माइका अगर आपने काम में लिए तो आसानी से आप साफ कर सकते हैं। और उसकी जगह अगर आप मैट फिनिश या टेक्चर फिनिश काम में लेंगे तो वो गंदगी को साफ करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आजकल चॉकबोर्ड शीट और बच्चों की जो मार्कर बोर्ड शीट है वो भी आ गई है, तो वार्डरोब के ऊपर या स्पेशली कोई डेडिकेटेड कॉर्नर अपन इस तरह की शीट लगा के दे सकते हैं ताकि बच्चों को कुछ लिखना करना है तो वहीं पे वो आसानी से लिख सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल शीट भी मार्केट में है। एंटी बैक्टीरियल शीट में क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया जनरेशन कम होता है या ना के बराबर होता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी बैक्टीरियल शीट भी आप बच्चों के फर्नीचर में जरूर लगाइए। अब बात करते हैं फर्नीचर को ऑपरेट करने के लिए जो हैंडल्स लगने हैं, वो जो नॉब्स लगनी है, उनकी डिजाइन के बारे में। बच्चों के रूम के लिए डेडिकेटेड काफी सारे हैंडल्स और काफी सारे नॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कार्टून करेक्टर होते हैं, एनिमल करेक्टर होते हैं या फिर कोई ज्योमेट्रिक डिजाइन होती है, इस तरह के हैंडल्स और नॉब्स मार्केट में मिल जाते हैं और हम लकड़ी से बनवा भी सकते हैं। तो बच्चों के रूम को आप प्लान कर रहे हैं तो उनकी एज के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्नीचर का हैंडल है, डिजाइनर हैंडल काम में लीजिए। इस तरह का रेगुलर जो हम बाकी फर्नीचर में काम में ले रहे हैं उस तरह का हार्डवेयर काम में मत लीजिए। इनको लगा के भी आप अपने वार्डरोब का लुक काफी ज्यादा सुंदर कर सकते हैं। बच्चों के रूम में वार्डरोब बनाते समय वार्डरोब की हाइट अप टू सीलिंग हाइट तक लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बच्चों के लिए जो रूम बना होता है काफी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, स्पेस कम होता है, तो एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए हमारी वार्डरोब को हमको सीलिंग हाइट तक ले जाना चाहिए, ताकि उसमें हम हमारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं, एक्स्ट्रा सामान है, टॉयज हैं, वो हम आसानी से रख सकें। साथ ही साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ की बात करें तो वार्डरोब के अंदर कोई शार्प कॉर्नर ना हो, ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंजेस लगे हुए हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप सॉफ्ट क्लोज हिंजेस लगाइए, क्योंकि रेगुलर क्लोज हिंजेस में क्या होता है दोस्तों, खटाक से डोर बंद होता है तो बच्चों की उंगली कई बार फाटक के बीच में ट्रैप हो सकती है, तो इसके लिए आप सॉफ्ट क्लोज हिंजेस लगाएंगे तो फाटक धीरे धीरे बंद होगा और लगने की संभावना कम हो जाएगी। एट लास्ट बात करें तो लाइटिंग का भी बच्चों की वार्डरोब में काफी ज्यादा योगदान है। वार्डरोब के अंदर आप कंसील्ड लाइट, सेंसर लाइट जरूर लगवाइए, इससे क्या होगा पूरी वार्डरोब में रोशनी रहेगी, तो बच्चे अपने वार्डरोब को जब मैनेज कर रहे हैं तो उनको आसानी से सारी चीजें दिख जाएगी, वार्डरोब को वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जो आवश्यकता की चीजें निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। इसमें सेंसर लाइट ही लगवाइए ताकि वो डोर खुलते ही अपने आप जल जाए और डोर बंद होते ही अपने आप लग जाए। तो दोस्तों,
कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए जो बच्चों की वार्डरोब बनाते समय में ध्यान में रखने चाहिए। और भी डिटेल में काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि कलर होते हैं, शेल्फ की हाइट क्या रखनी है, ड्रॉर्स की साइज क्या रखनी है, पोजिशनिंग क्या रखनी है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है, बच्चे की एज क्या है और उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है। इसको हम किसी प्रॉपर डिजाइनर से डिजाइन भी करवा सकते हैं और हमारे पास भी ऑनलाइन डिजाइनिंग सर्विस अवेलेबल है, तो आप हमसे भी अपने बच्चों की वार्डरोब डिजाइन करवा सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्यारे प्यारे सजेशन भेजिए और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। नमस्ते, वंदे मातरम।